बीहड़ के कुख्यात डाकू रहे मलखान सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में उसके अभी भी 700 साथी मौजूद हैं, जिन्हें लेकर वो बॉर्डर पर देश के लिए मर मिटने को भी तैयार है। पूर्व दस्यु सरगना मलखान सिंह पुलवामा आतंकी हमले में 45 जवानों की शहादत से आहत हैं। उन्होंने कहा, 15 साल बीहड़ों में हमने कथा नहीं बांची है, माँ भवानी की कृपा रही तो मलखान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान को उसकी औकात जरूर दिखा दूंगा। गांव और जिले का बागी रहा हूँ, देश का नहीं, पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने का समय। पूर्व डाकू मलखान सिंह मंगलवार को पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने कानपुर आए हुए थे। उन्होंने कहा, अगर कश्मीर पर फैसला नहीं लिया गया तो कोई भी राजनीति पर विश्वास नहीं करेगा। पाकिस्तान में घुसकर उसकी धज्जियां उड़ाने का वक्त आ गया है। एक या दो आतंकियों को मारने में हमारे देश 5 जानबाज शहीद हो गए। चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, मलखान सिंह ने कहा, मैंने 1982 में आत्मसमर्पण किया था, तब अर्जुन सिंह मप्र के मुख्यमंत्री थे। यह आत्मसमर्पण इंदिरा गांधी की परमिशन पर हुआ था। मैंने मंच से ऐलान किया था कि यदि कोई महिला शिनाख्त कर दे कि मलखान सिंह ने चांदी की भी अंगूठी उतारी हो तो इसी मंच के सामने फांसी पर लटका दिया जाए। हम अन्याय के खिलाफ राजनीति करेंगे, हम राजनीति पेट भरने के लिए नहीं करेंगे। पहली प्राथमिकता विकास है, जनता की समस्याओं को हल करना। अगर लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलता है तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। देश के बागी नहीं है हम, मलखान सिंह। मलखान ने कहा कि बीहड़ में मेरा इतिहास बहुत ही साफ सुथरा रहा है। महात्मा बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन बागियों का इतिहास ठोस रहा है, इतना तो साधु संतों का भी नहीं रहा है। साधु तो घेरे में आ चुके हैं, जेल में पड़े हैं, कुकर्म में पड़े हुए हैं, लेकिन बागियों के विषय में कोई बता दे, हम गांव और जिले के बागी रहे पर देश के बागी कभी नहीं हुए।